गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम हरिद्वार जा रहे हैं, हर हर गंगे। बहुत ही अनप्लान ट्रिप है। कल रात को हमने सोचा सोते वक्त डिनर के बाद के हरिद्वार चलते हैं। आज मेरे फादर की फेवरेट प्लेस थी, तो बहुत नॉस्टैल्जिक ट्रिप भी होने वाली है मेरे लिए। काफ़ी सालों बाद मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, यूजली अब इस साइड जाना होता नहीं है, तो लेट्स सी। और लास्ट टाइम जब मैं गया था, मुझे याद है इट टुक मी 6 आवर्स, एंड कल मैंने जब गूगल पे देखा मैप्स पे, तो इट वॉज शोइंग मी ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स। सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी कितना कम टाइम लगेगा। तो अभी 4:45 AM हो रहे हैं सुबह के, तो वी आर मूविंग एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है एंड कब तक पहुंचते हैं। सी यू गाइस। दोस्तों 5:42 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया। 4:45 AM पे निकले थे हम दिल्ली से हरिद्वार के लिए। अराउंड 68 किलोमीटर्स कवर हो गए हैं। मेरठ में ही हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं अब। एंड कमाल की बात है यार, लिटरली एक घंटे में हम पहुंच गए हैं मेरठ, एंड दिस इज कमेंडेबल। आई थिंक ये जो दिल्ली मेरठ हाईवे है, दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल नाउ। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं आया था मेरठ, तो 1.5 घंटा लगा था मुझे। तो पहले के ज़माने में जब मैं छोटा था, अपनी मॉम के साथ जाया करता था, मेरे मामा जी वहाँ रहते हैं, तो जाना आना काफ़ी होता, तो 2.5 घंटे मिनिमम लगते थे। 270 odd kilometers ही है मेरठ, बट लगते थे 2.5 घंटे। फिर हाईवेज बनने स्टार्ट हुए और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो 2.5 से 1.5 पे आ गए थे। आज ये दिल्ली मेरठ हाईवे पे लिटरली एक घंटे में हमने क्रॉस किया ये, विच इज एक्सट्रीम, मतलब मेरे लिए तो कमाल की बात है, कंसिडरिंग कभी 2.5 घंटे में भी हम पहुंचा करते थे। तो जहाँ हम हरिद्वार आए हैं, हरिद्वार भी बहुत कम टाइम दिखा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया 3:35, विच इज स्ट्रेंज टू मी, बिकॉज मुझे वही 6 घंटे वाला हरिद्वार याद है। तो देखते हैं कैसे रहता है हिसाब किताब। एंड आप देखिए रोड्स बहुत ही स्मूथ है, मजा आ रहा है ड्राइव करने में। चलिए सी यू।
30 हो गए हैं सुबह के। हमने अभी चाय पी है शिवा ढाबा पे मेरठ में, और पनीर के पकोड़े खाए हैं, बहुत ही टेस्टी थे, मज़ा आ गया। और अपना कितना कवर हो गया, 91 किलोमीटर्स कवर हो गया है ऑलमोस्ट। नहीं आपने सुन लिया ये सब पहले कैलकुलेट करके आपको बताना चाहिए। तो मैंने 3000 का डीजल भरवाया था कल रात को, तो होपफुली उसमें जाना आना हो जाएगा आराम से। XUV 500 है ये, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, कितना डीजल लगेगा मैं आपको बताऊंगा और कितनी एवरेज है गाड़ी की ये भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के हिसाब से तो मुझे लग रहा है 15 की तो दे रही है गाड़ी राइट नाउ ऑन दिस ट्रिप। चलिए सी। हाल चाल है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो 6:46 हो रहे हैं अब, 2 घंटे हो गए हैं हमें एंड वी हैव कवर्ड 120 किलोमीटर्स। काफ़ी फॉग है रास्ते में मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर की साइड, एंड उसकी वजह से काफ़ी स्लो चल रही है गाड़ी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है, वी आर मैनेजिंग। लेट्स सी, अब ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना दिखा रहा था उतना नहीं लगेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। आप देखिए रास्ते में काफ़ी फॉग है, और लास्ट टाइम मैंने 5:30 कहा था, तब एक्चुअली 6:30 हो रहे थे। चलिए सी यू।
मॉर्निंग दोस्तों, 7:48 हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हमें और 175 किलोमीटर्स कवर कर लिया हमने। सुबह हो गई है, फॉग बहुत ज़्यादा है और तो सही टाइम में ही कवर हो गया। 3:35 दिखा रहा था जब हम चले थे दिल्ली से 4:45 पर, अभी 40 मिनट का रास्ता रह गया और हल्की पौड़ी तक हरिद्वार में, तो ऑलमोस्ट 3:30 to 3:45 लगे हैं समझ लीजिए आप हरिद्वार पहुंचने में। तो कमाल है, द रोड्स आर रियली गुड। इतनी फॉग में भी हम स्पीड पे चला के यहाँ तक पहुंच गए, विच इज़ कमेंडेबल। तो सेफ भी हैं रोड्स, ऐसी बात नहीं, अच्छी बनाई हैं और स्पीड पे कवर भी हो रहा रास्ता, तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। नहीं तो हरिद्वार आने का मैंने जैसे बताया था लास्ट, जो मुझे याद है 6 घंटे लगते थे तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया बना दिए हैं रोड्स, गडकरी जी ने कमाल किया है, हैट्स ऑफ। चलिए आप भी एंजॉय कीजिए रास्ते को। दोस्तों 8:22 हो रहे हैं, 3 घंटे और 3 hours and 37 minutes में पहुंचे हैं, 37 मिनट में, 3 घंटे और 37 मिनट में, और 210 किलोमीटर कवर हो गया दिल्ली से यहाँ तक, तो बहुत ही सही टाइम है अपना। हल्की पौड़ी पे पार्किंग में हैं हम, अब जाते हैं डुबकी वुबकी लगाते हैं, पूड़ी आलू खाते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए टेक केयर, बाय। टॉल भी मैं बता दूं आपको, मेरे ख्याल 500 रुपये के करीब लगा है, तो दैट्स हाउ इट इज। और आई थिंक 3000 में आना जाना हो जाएगा क्योंकि डीजल कुछ खास कंज्यूम हुआ नहीं है, इनफैक्ट 3 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मैंने 3 का भरवाया था तो वो दिखा रहा है अभी, तो आई थिंक 3 का भी नहीं लगता है, 2 का ही लगता है इनफैक्ट। चलिए टेक केयर।